तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। और अभी आप देख रहे होंगे कि आन पशु के आन बान शान मिस्टर सूरज सिंह जी हमारे साथ में हैं। और फ्रेंड्स, अभी आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि लखनऊ आए हुए थे और दूसरे दिन हमने इनको हैदराबाद में टॉप 30 में इनको सिलेक्ट किया गया था। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और हमने आपसे ये भी कहा था कि इनसे आने के बाद जब लखनऊ आएंगे वापस में, तो कल ही फ्रेंड्स आए हैं लखनऊ, वो हैदराबाद से लखनऊ वापस आए हैं। और इनसे हमने आपसे बोला था कि इनसे सारी जानकारी, हैदराबाद ऑफिस का एक्सपीरियंस भी लेंगे इनसे, और क्या क्या चीज़ें हैं इनके खुद इनके जुबानी इनसे सुनेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक जरूर देखते रहेगा। फ्रेंड्स, कल ही जो है सूरज सर हैदराबाद ऑफिस से लखनऊ आए और साथ में यहाँ हमारे साथी लखनऊ में थे और इनसे काफ़ी बातचीत भी हुआ। और इसके बाद जो है अभी जैसा हमने आपसे बोला था कि सर से जानेंगे कि क्या इनका एक्सपीरियंस रहा, तो सर के ही जुबानी सुनते हैं कि क्या क्या उन्होंने चीज़ें देखी और क्या क्या चीज़ें आन पशु में हो रही हैं। अभी वो सारा चीज़ अभी सूरज सर के माध्यम से हम आप सुनेंगे और जानेंगे। तो फ्रेंड्स, देखते रहिएगा वीडियो पूरा, अभी सुनते हैं सर के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। एंड सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा महपत सर को। महपत सर यूँ समझिए कि बहुत ही सपोर्टिव हैं। मैं घर से अपने लगभग 29 मार्च को घर से बाहर निकला हूँ, और क्योंकि फ्लाइट मेरी जो फ्लाइट का जो टाइम था वो, अगर मैं घर से बाहर नहीं निकलता 29 मार्च को तो शायद मैं लेट हो जाता। तो वहाँ से घर से मैं बाहर निकला, सबसे पहले महपत सर के घर पर आया, घर पर फिर पूरा रात यहाँ पर था, मतलब पूरी नाइट यहाँ पर था। उसके बाद 30 मार्च को 8 o'clock यानी कि 8 AM पे मैं लखनऊ एयरपोर्ट पे गया। एयरपोर्ट पे महपत सर ने मुझे वहाँ पे ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद 10 AM का हमारा फ्लाइट का टिकट था, तो वो फ्लाइट आई, हमने वहाँ से जर्नी स्टार्ट किया और हैदराबाद गए। और जो एक सपोर्ट सिस्टम होता है हैदराबाद का, जो सपोर्ट सिस्टम है, ऐसे सर हमेशा बोलते हैं कस्टमर सक्सेस डिपार्टमेंट, तो कस्टमर सक्सेस डिपार्टमेंट यूँ कहें तो बहुत अमेजिंग। जितना हम एक थ्योरिकल रूप में हम सुनते थे, उससे कहीं ज़्यादा हमने प्रैक्टिकल रूप में देखा है। यानी सपोर्ट सिस्टम का जो पार्ट है ना, बहुत ही अमेजिंग। आप एक नया पर्सन जिसको कोई भी नॉलेज नहीं है ट्रेवलिंग करने का, अगर वो घर से बाहर निकलता है तो आसानी से, अगर कोई भी एक नया पर्सन अगर रहा होगा, हमारे 47 फाउंडर्स सिलेक्ट किए गए थे, अगर उसमें कोई भी नया भी पर्सन अगर रहा होगा ट्रेवलिंग करने का बाय फ्लाइट, सो वो भी आसानी से अपने घर से हैदराबाद ऑफिस पहुँच गया है। क्योंकि सपोर्ट सिस्टम जो एक बाय मैसेज, बाय ईमेल, बाय फोन कॉल, एवरीथिंग A to Z सारी चीज़ें बताते हुए, सारी चीज़ें प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप बताते हुए, हमें वहां तक सारी जर्नी का नॉलेज देते हुए, हर एक चीज़ का सपोर्ट करते हुए हम लोग वहां पे ऑफिस विजिट किए। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ऑफिस विजिट करने का। और मेरा फ्लाइट लगभग 12 बजे फ्लाइट पहुंच गया था हैदराबाद। फिर हैदराबाद एयरपोर्ट पे पहुंचते ही नागराज सर का जो हमारे जो मतलब वहां पे मौजूद थे एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने हमें वहां पे वेलकम किया, बहुत ही ज़बरदस्त वेलकम हुआ। फिर वहां से हम लोग होटल गए डायरेक्टली। होटल जाने के बाद फिर सभी फाउंडर्स, जितने 47 फाउंडर्स थे, हम सभी लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए और काफ़ी सारी बातचीत हुई वहाँ पे, और सभी फाउंडर्स वहाँ पे आए थे। आई होप आप सभी लोगों ने सबको देख लिया होगा। मैक्सिमम हमारे LC मेंबर थे, बहुत सारे हमारे फाउंडर्स थे, ग्रेट लीडर्स थे। तो बहुत अच्छा एक मतलब बोलते हैं कि एक्साइटमेंट लेवल था उस टाइम पे होटल में हम सभी लोगों का। और उसके बाद लगभग 6:30 बजे के आसपास, लगभग आई थिंक 6 या 6:30 बजे के आसपास हम लोग होटल से निकले और हैदराबाद ऑफिस लगभग 6:30 से 7 के बीच में हम लोग वहाँ पे पहुँचे। और ऑफिस पहुँचने के बाद जो वेलकम हुआ ना, शायद आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं वीडियो शेयर करूँगा, आप लोग ज़रूर देखना। बहुत ही ज़बरदस्त वेलकम हुआ हैदराबाद ऑफिस गेट पे पहुँचने से लेकर और गेट से अंदर जाने तक, बहुत ही ज़बरदस्त वेलकम रहा। और हैदराबाद विजिट करने का जो 47 फाउंडर्स जो विजिट किए हैं इन लोगों ने, तो इनका एक सेपरेट यानी कि एक वीडियो आएगा, कंप्लीट वीडियो आएगा कुछ दिन बाद, आप ऑफिशियल चैनल पे देख पाएंगे। तो आप देखना उसमें कितने अच्छे से, कितने ज़बरदस्त तरीके से फाउंडर्स का वेलकम हुआ। तो एक का जो हैदराबाद की टीम है, जो सपोर्ट सिस्टम है, कस्टमर सक्सेस डिपार्टमेंट, तो एवरीथिंग इज ऑसम, वो मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता, राइट। तो बहुत ही ज़बरदस्त वेलकम हुआ। उसके बाद हम लोग ऑडिटोरियम में गए, ऑडिटोरियम में भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से एक जो होता है माइंड फ्रेश का,
तो वो सारी चीज़ें हुई और उसके बाद अपना 7:30 बजे का अपना जो लाइव इवेंट है वो स्टार्ट हुआ। उसके बाद हमारे हैदराबाद पुलिस डिपार्टमेंट के एक अधिकारी भी आए, तो और उसके बाद कुछ हॉस्पिटल के लोग भी आए थे एज अ गेस्ट, तो उनका भी वेलकम हुआ। उनसे भी हमने कई सारी चीज़ें उसमें देखी सीखी। उसके बाद हम लोग फ्लोर बाय फ्लोर सभी फ्लोर का हमने वहाँ पे मतलब चेक किया। सभी फ्लोर को हमने जाके देखा तो बहुत ही अच्छे से जितने भी फ्लोर थे, जितने फ्लोर हमें वीडियोज़ में बताए जाते थे, वेबिनार में बताए जाते थे, वो सारी चीज़ें हमने देखी। एवरीथिंग इज रियल, एवरीथिंग इज गुड। एंड नाइट शिफ्ट का भी कुछ जो एक शिफ्ट होता था वो भी चल रहा था उस टाइम पे। और आई थिंक अगर आपने लाइव इवेंट देखा है तो आपको सारी चीज़ें उसमें दिख रही थी। हमें किस यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं एक्स्ट्रा, आप सभी लोगों को लाइव इवेंट में दिख रहा था एवरीथिंग। सारे फ्लोर्स आपको दिख रहे थे, हम लोग विजिट कर रहे थे, चेक कर रहे थे, सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही थी। तो मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज रियल, एवरीथिंग इज गुड। जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा वहाँ पे हमें देखने को मिला। सपोर्ट सिस्टम वेलकम, एवरीथिंग A to Z, एवरीथिंग इज गुड। ओके, सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और हम जितने भी फाउंडर्स विजिट किए थे, 47 फाउंडर्स, सारे फाउंडर्स इतने कमाल के हैं, है ना। वो हमारे मैक्सिमम एलसी मेंबर, वो चाहे जस्टिस सर हैं, कौशिक सर, नीरज सर, केडी सर, मुकुंद सर, हमारे बहुत सारे फाउंडर्स हैं, जय सर, सरवन सर, साहिन मैम, दिनेश सिसोदिया सर, मैक्सिमम फाउंडर्स मनमोहन सर हो गए, हरीश शर्मा सर हो गए, आई थिंक मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा। तो बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स थे, हम सभी लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया, होटल से लेकर हैदराबाद ऑफिस तक और उसके बाद घर से जाने तक, मतलब हर एक टाइम हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। और एक प्राउड फील होता है कि हम ऑन पैसिव आईटी कंपनी के फाउंडर हैं और हमारी वैल्यू जो आने वाले टाइम में, नेक्स्ट टाइम में, यानी कि आने वाले टाइम में होने वाला है, जो हमारा एक वैल्यू होने वाला है, उसके बारे में हम सोच के एक प्राउड फील करते हैं कि मतलब किस जन्म का ये पुण्य है जो हमें मिला है। और एज अ कैरियर, जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया, इसके पहले मैंने कोई बिजनेस नहीं किया, जो बिजनेस का एक्सपीरियंस है वो मेरा जीरो था। स्टार्टिंग में ही जब मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की उसी टाइम पे मुझे ऑन पैसिव मिला, बाय गॉड गिफ्टेड, जो कुछ भी आप बोलो। तो एक जो बिजनेस होता है, एक कैरियर जो होता है, तो एज ए स्टूडेंट आई एम ए स्टूडेंट ऑल्सो एंड आई एम लर्निंग एवरीथिंग अबाउट इंटरनेट, अबाउट टेक्नोलॉजी। तो एज ए स्टूडेंट आई वॉन्ट टू से, इफ एनी स्टूडेंट वॉन्ट टू मेक देयर कैरियर इन फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट, सो दे कैन मेक कैरियर विथ ऑन पैसिव, बिकॉज ऑन पैसिव टूल्स कैन ग्रो, कैन मेक देयर बिजनेस टू वेरी फास्ट। ओके, सो वेरी फास्ट, बहुत ही फास्ट अपने बिजनेस को और अपने आप को ग्रो कर सकते हैं ऑन पैसिव टूल्स के माध्यम से। हम सभी जानते हैं कि ऑन पैसिव इज आईटी कंपनी और ऑन पैसिव आईटी कंपनी एक कंप्लीट इंटरनेट सोल्यूशन बना रही, कंप्लीट इंटरनेट सोल्यूशन, यानी कि इंटरनेट में, टेक्नोलॉजी में, जो हमारे प्रोडक्ट्स आने वाले टाइम में जो ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं, आर्टिफिशियल बेस्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो सभी टूल्स को डेवलप कर रही है बहुत अच्छे से। एक जो होता है प्रोसेस बाय प्रोसेस, कई सारे प्रोसेस होते हैं एक प्रोडक्ट को डेवलप करना, उसके बाद इंटरनेट पे लॉन्च करना। सो बहुत ही ज़बरदस्त एक प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप ऑन पैसिव अपने सभी प्रोडक्ट को, सभी टूल्स को रेडी कर रही है। और जितने भी टूल्स हैं, मैक्सिमम जितने भी इंटरनेट में, टेक्नोलॉजी में यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं, उन सब के मतलब उन सब से रिलेटेड हमारे प्रोडक्ट रेडी हो रहे हैं। और जितने भी हमारे टूल्स हैं उनकी मदद से कोई भी इंसान, किसी का भी अगर ऑनलाइन बिजनेस है, इंटरनेट का बिजनेस है, तो वो अपने बिजनेस को ऑन पैसिव टूल्स के माध्यम से बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट और बहुत ही अच्छे तरीके से विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रो कर सकता है। और हम सभी जानते हैं कि आने वाला जो फ्यूचर है, आने वाला जो टाइम है, वो एक जो नया जमाना, जो न्यू एरा आ रहा है, यानी कि आ चुका हम कह सकते हैं। ओके, सो दैट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग एंड मेटावर्स, वेब थ्री इंटरनेट, जो हमारा नया इंटरनेट है उसकी तरफ धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। मेटावर्स, बहुत सारे टेक्नोलॉजी हैं जिनकी तरफ हम धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। तो ऑन पैसिव एक जो नया फ्यूचर जो आने वाला, जो न्यू टेक्नोलॉजी आने वाली है, तो उसके रिलेटेड, उसी से रिलेटेड अपने सर्विस को, अपने प्रोडक्ट को, अपने सभी चीज़ों को रेडी कर रही है। सो एक प्राउड फील होता है कि हम ऑन पैसिव जैसे आईटी कंपनी के साथ में हैं, ऑन पैसिव कंपनी के एक प्राउड फाउंडर हैं और अर्ली अडॉप्टर हैं। किसी भी इंडस्ट्री का अर्ली अडॉप्टर बनना बहुत बड़ी बात होती है।
और अर्ली एडॉप्टर बनना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि उसका जो विजन होता है, उसका जो मिशन होता है, उसका जो प्रोसेस होता है, वो हर किसी को समझ में नहीं आता। अर्ली एडॉप्टर हर कोई बन भी नहीं सकता, हालांकि अपॉर्चुनिटी सबके पास आती है, बट समझ में बहुत कम ही लोगों को समझ में आता है। ओके, क्योंकि कोई भी जब अर्ली एडॉप्टर में, यानी कि जब प्री लॉन्च में कोई कंपनी होती है, तो वो अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को डेवलप कर रही होती है, और डेवलपमेंट प्रोसेस में हर एक चीज़ को समझना, हर एक चीज़ को प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप उसकी जानकारी लेना, ये बहुत ही मतलब एक अलग तरीके का प्रोसेस होता है। तो इसको हर कोई नहीं समझ पाता, जो समझ पाता है वो अर्ली एडॉप्टर होता है, और जो अर्ली एडॉप्टर होता है किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कंपनी में, उसकी जो वैल्यू होती है, वो आने वाले टाइम में आफ्टर लॉन्च उसकी वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू होती है। उस टाइम पे उसे पता नहीं चलता, बस आने वाले टाइम में लॉन्चिंग के बाद उसकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। उसके बाद अर्ली अडॉप्टर के बाद बहुत सारे आते हैं कस्टमर, रिसेलर्स, आप सभी जानते हैं। सो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं और बहुत अच्छी चीज़ें बन रही हैं हम सभी के लिए। और जैसा कि हम बोल सकते हैं कि ऑन पैसिव एक मिलियन टाइम्स ऑफ बिग, यानी कि मिलियन टाइम्स ऑफ विगर है, हमारी सोच से मिलियन टाइम्स ऑफ बड़ा है ऑन पैसिव, जितना हम सोच सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है ऑन पैसिव। सो बिलीव ऑन पैसिव, बिलीव ऑन पैसिव, ऑन पैसिव सिस्टम, एवरीथिंग 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 इज रियल। सो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा हैदराबाद ऑफिस विजिट करने का, एवरी प्रोडक्ट्स आर डेवलपिंग एंड हर एक चीज़ों को प्रोसेस बाई प्रोसेस इंटरनेट पे, कोई भी आईटी कंपनी, जितने भी हमारे आईटी टूल्स होते हैं, यानी आईटी कंपनी के जो टूल्स होते हैं, डिजिटल जो प्रोडक्ट होते हैं, तो उनको एक बनने का एक प्रोसेस होता है। और ऑन पैसिव जो कंपनी है, यानी कि जिस कंपनी के हम फाउंडर्स हैं, तो ऑन पैसिव अपना ए टू जेड सभी प्रोडक्ट, खुद का प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट डेवलप कर रही है, खुद का प्रोडक्ट डेवलप कर रही है। ऐसा नहीं कि हम किसी और का प्रोडक्ट लेके उसको मार्केट कर रहे हैं, ऐसा नहीं, हम अपना खुद का इंटरनेट बना रहे हैं, खुद का इंटरनेट, यानी कि खुद का हम डिजिटल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो एक प्रोडक्ट को डेवलप होने का, उसके बाद डेवलप होने के बाद इंटरनेट पे लॉन्च होने के लिए एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले हमारी जो टेक्निकल टीम होती है, यानी कि जो इंजीनियर्स होते हैं जो प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, तो सबसे पहले उसकी कोडिंग होती है। कोडिंग कंप्लीट होने के बाद अल्फा टेस्टिंग होती है जो ऑफिस में होता है, यानी कि जो हैदराबाद की टीम कर रही है। उसके बाद बीटा टेस्टिंग होता है, यानी कि अल्फा टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद उसकी बीटा टेस्टिंग होती है। बीटा टेस्टिंग जो हम फाउंडर्स बैक ऑफिस में करते हैं, बैक ऑफिस में बीटा टेस्टिंग करने के बाद एक एक्सपर्ट टीम होती है जो फाइनल चेकिंग करती है, यानी प्रोडक्ट डेवलप हो चुका है, कोडिंग हो चुकी है, उसको फाइनल चेकिंग करती है। फाइनल चेकिंग करने का ये तीन लेयर्स होते हैं ऑन पैसे के प्रोडक्ट को टेस्ट करने का। तो इन तीनों प्रोसेस में जो कमियां आती हैं, जो सुझाव, मतलब जो कमियां आती हैं, अगर कोई कमी है, कुछ ऑप्शन ऐड करने हैं, कुछ चीज़ें उसमें ऐड करनी है, तो उसको ऐड किया जाता है। इन तीन लेयर से गुजरने के बाद तब जाके एक प्रोडक्ट जो अपना होता है वो रेडी होता है उसको मार्केट में लॉन्च करने के लिए। तो इन तीन फेसेस से अपना प्रोडक्ट गुजरता है, उसके बाद इंटरनेट पे लॉन्च होता है। तो जो आप बैक ऑफिस में देख पा रहे हैं या देख पाएंगे, तो वो बेसिक फीचर के साथ में, बेसिक ऑप्शन, बेसिक चीज़ों के साथ में वो आता है प्रोडक्ट। उसके बाद जब इंटरनेट पे लॉन्च किया जाता है, तो लॉन्च करने के बाद उसका एक रनिंग मोमेंट जब स्टार्ट होता है, तो उसमें आप कुछ कस्टमर्स के, कुछ हम सभी के वहाँ पे फीडबैक आते हैं कि इसमें ये ऐड करना चाहिए, इसमें ये होता तो और अच्छा होता। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें फिर से उसमें ऐड की जाती हैं, टेक्नोलॉजी के हिसाब से और टाइम के हिसाब से, सारी चीज़ों के हिसाब से उसमें सारी चीज़ें ऐड होती रहती हैं। तो बैक ऑफिस में आपको जितने भी प्रोडक्ट, जितने भी टूल्स आपको दिखाई दे रहे बेसिक फीचर के साथ में, तो आने वाले टाइम में बहुत सारे फीचर, बहुत सारे ऑप्शन उसमें और भी ऐड होंगी। ऐसा नहीं कि आप जो देख पा रहे उतना ही रहने वाला उसमें ऑप्शन, क्योंकि ये डिजिटल प्रोडक्ट है और ये टेक्नोलॉजी है, ये इंटरनेट है। ये लॉन्च तो होता है बेसिक फीचर के साथ में, बट आने वाले टाइम में वो बहुत सारे ऑप्शन के साथ ग्रो होता रहता है। अगर हम यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब अपने आप को हमेशा अपडेट करता रहता है, अपडेट, बहुत सारे ऑप्शन आपको हर महीने आपको मिलते रहेंगे, बहुत सारे ऑप्शन ऐड होते रहते हैं, बहुत सारे ऑप्शन अगर वो गलत इफेक्ट डाले तो उसको रिमूव किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें एक डिजिटल प्रोडक्ट में अपडेट होता रहता है, ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी में हमें अपने आप को हर एक समय, एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी सेकेंड अपने आप को अपडेट करते रहना है। तो ऑन पैसिव बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को डेवलप कर रही है, और हम लोग एक रियल बिजनेस के साथ में, रियल इंसान के साथ में और रियल कॉन्सेप्ट के साथ में हैं हम,
और हमें अपने आप पे प्राउड फील होना चाहिए कि हम ऑन पैसिव के फाउंडर हैं, हम अर्ली अडॉप्टर हैं। तो दिस इज द वेरी 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 एक एक्साइटमेंट लेवल था हम लोगों का हैदराबाद ऑफिस विजिट करने का। तो हम सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ऑफिस विजिट किया और जो कस्टमर सक्सेस डिपार्टमेंट का हमने एज अ थ्योरिकल वेबिनार में सुना था उससे कहीं ज़्यादा हमने प्रैक्टिकल देखा। ए टू जेड हर एक समय में सपोर्ट जो होता है, यानी हम सभी के साथ में हर एक तरीके का सपोर्ट हम जो हैदराबाद ऑफिस की जो टीम है उसने हमने उन सभी लोगों ने हमारा एक सपोर्ट किया। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और जितना भी हम बोल सकते हैं ये तो ऑन पैसिव एक ऐसा बिजनेस मॉडल है, एक ऐसा टॉपिक है, इसके बारे में हम जितना भी बोलते रहें उतना ही कम है, राइट। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सो बिलीव करिए ऑन पैसिव सिस्टम पे, ऑन पैसिव को बनाने वाले पे एक प्रोसेस होता है इंटरनेट को मार्केट में लॉन्च करने का, और एक प्राउड फील होता है हम सभी को कि हम ऑन पैसिव के फाउंडर हैं। और ऑन पैसिव जो एक आईटी कंपनी उसको लॉन्चिंग का एक मोमेंट होता है तो हम लोग घबरा जाते हैं कि भैया अभी तो लॉन्च नहीं हो रहा, तो ऑन पैसिव इज स्टिल इन प्री लॉन्चिंग। ओके, सो प्री लॉन्चिंग के बाद इंटरनेट पे लाइव होने का एक प्रोसेस होता है, तो ये प्रोसेस बाय प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। जी मैं सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी यस, बहुत ही जबरदस्त। आपने देखा कि इन्होंने जो है अपना हैदराबाद में जो चीजें देखी हैं तो वो चीजें अभी आपने देखा कि बिना रुके हुए 10 से 15 मिनट से बोल रहे हैं, तो वो पूरा एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहे हैं। और साथ में जैसा कि अभी बुर्ज खलीफा में जो ऐड हुआ है उसके बारे में भी जानते हैं कि ये बुर्ज खलीफा में ऐड हुआ है तो ये क्या मार्केटिंग का पार्ट है और इससे अन पैसिव में पूरे दुनिया भर में क्या फर्क पड़ने वाला है उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। यस 30 मार्च को जो अपना बुर्ज खलीफा एंड दुबई से जो अपना स्टार्ट हुआ है तो दैट्स कॉल्ड मार्केटिंग पार्ट। ओके, और जो 30 मार्च का जो अपना माहौल था वो टोटली एक मार्केटिंग का ही पार्ट था। मैंने कुछ वीडियोज भी शेयर किए हैं यूट्यूब चैनल पे, तो उसको भी आप देख सकते हो। वहां पे बहुत सारी चीजें आपको विल बोर्ड पे दिख रही हैं, आपको मॉल्स में भी दिखने वाली हैं, और आने वाले टाइम में हम फाउंडर्स की भी फोटोज और इमेजेस ऐसे ही मॉल में बिल बोर्ड में लगने वाले हैं। सो दिस इज कॉल्ड फाउंडर्स वैल्यू। तो आने वाले टाइम में आपको पता चलने वाला कि फाउंडर्स की क्या वैल्यू होने वाली है। सो जो आप देख पा रहे हैं दुबई में बुर्ज खलीफा पे, वो सारा चीज एक मार्केटिंग का ही पार्ट है। ऑन पैसिव अब एक प्री लॉन्चिंग मोड से आगे बढ़ रही है। ओके, यानी कि नेक्स्ट फेज की तरफ आगे बढ़ रही है, तो उसका एक प्रोसेस है अपने आप को मार्केट करना, अपने आप को लोगों तक पहुंचाना। सो दिस इज द एक मार्केटिंग पार्ट है। और अभी जस्ट दुबई से एक किक स्टार्ट हुआ, इसके बाद धीरे धीरे और हमारे कंट्रीज में आएंगी और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो बहुत अच्छा एक माहौल एक दुबई में बना हुआ है। वीडियोज आप जरूर देखना, मैंने कुछ फोटोज भी शेयर किए हैं। तो एक जो कलर होता है, एक जो नाइट का जो एक थीम होता है ना, बहुत ही जबरदस्त तरीके से दुबई में दिख रहा है। तो अब उसको आप देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, और मार्केटिंग कैंपेन का ही जो पार्ट होता है, और एक ऑफिशियल वेबसाइट जो अपना उसको अभी आप चेक कर सकते हो, उसमें जो थीम है जो कलर है बहुत अच्छा दिख रहा है। और मार्केटिंग का एक जस्ट किक स्टार्ट, यानी जो किक स्टार्ट बोलते हैं वो स्टार्ट हो चुका है। सो देखते रहिए, आने वाले टाइम में बहुत कुछ आपको दिखने वाला है। जी तो फ्रेंड्स, जैसा कि मार्केटिंग का पार्ट आपने जाना और इनके जो एक्सपीरियंस रहा हैदराबाद ऑफिस का वो भी आपने जाना, तो फ्रेंड्स अब देरी किसी चीज़ की नहीं है फ्रेंड्स, और बहुत कुछ हो रहा है ऑलरेडी, आपने देखा ये एक्सपीरियंस आपने सुना ही है। तो ऑन पैसिव हम लोगों के सोच से कई मिलियंस टाइम बढ़ी है और आने वाले समय में फ्रेंड्स बहुत कुछ होने वाला है। तो फ्रेंड्स बने रहिए सर के साथ में, हमारे साथ में, चैनल के साथ में, और जो भी चीज़ें होंगी आप तक पहुंचाई जाएगी, जो भी जानकारी होगी। तो यही एक जानकारी थी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कुछ कहना चाहते हैं नीचे कमेंट जरूर करिएगा, और भी कुछ कहना चाहेंगे? यस, मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 बिलीव कीजिए ऑन पैसिव सिस्टम पे, ऑन पैसिव प्रोसेस पे, ऑन पैसिव टूल्स पे, ऑन पैसिव प्रोडक्ट पे, और एक प्राउड फील कीजिए अपने आप पे, बिकॉज यू आर द अर्ली अडॉप्टर एंड यू आर द फाउंडर ऑफ ऑन पैसिव। आपने ऑन पैसिव को समझा, आप ऑन पैसिव के फाउंडर हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ओके, प्री लॉन्चिंग में किसी भी आईटी कंपनी को समझना, उसके प्रोसेस को समझना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और जो प्रोसेस होता है इंटरनेट पे लॉन्च करने का, उसको जो प्रोसेस है उसको समझना भी बहुत बड़ी बात होती है। सो जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, जितने भी हमारे फाउंडर्स हैं, ग्रेट लीडर्स हैं, आप सभी लोगों से यही अनुरोध है कि ऑन पैसिव को समझिए, जितना आप समझेंगे उतनी ज़्यादा आपको नॉलेज मिलती रहेगी।
फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ कहना चाहते हैं नीचे कमेंट जरूर करिएगा। और मेरे अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में। ओके, थैंक्स।